मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ व्हाट्सएप के कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते। देखे तो टोटल इंडिया में 400 मिलियन से भी ज्यादा व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, जिनको 50% लोगों को मालूम ही नहीं है कि व्हाट्सएप में क्या क्या फीचर्स है। तो ये 2020 के व्हाट्सएप के नए फीचर्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए व्हाट्सएप के फीचर्स देख का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार और लाजवाब ट्रिक है दोस्तों। मैं आपको यदि बताता हूँ, यदि आप चाहते हो कि किस बंदे के साथ आपने कितनी चैट की है, उस बंदे को कितनी फोटो भेजी है, कितना मीडिया भेजा है, उसके साथ सारी जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हो उस बंदे से रिलेटेड, तो सारी इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप में प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको तीन डॉट पर क्लिक करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में ऑप्शन मिलेगा डाटा एंड स्टोरेज यूजेज, और इसमें मिलेगा ऑप्शन स्टोरेज यूज। इस पर आप सभी बंदे के साथ देख सकते हो कि इसने कितनी चैट की है। जैसे ये डोली नाम का पर्सन है, इसमें देखना चाहता हूँ कि मैंने 237 मैसेज किए, इसको 102 फोटो भेजी है, स्टिकर्स वगैरह नहीं भेजे है, 56 वीडियोस भेजी है, डॉक्यूमेंट्स 3 भेजे। तो ये सारी आप सेटिंग्स इसमें देख सकते हो। आप चाहते हो कि यार इस बंदे के साथ जो मैंने चैटिंग्स वीडियोस भेजे है उनकी साइज बहुत ज्यादा हो गई, तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप फ्री अप स्पेस कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे इससे रिलेटेड जो 458 MB है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये व्हाट्सएप का बहुत ही शानदार ट्रिक आया दोस्तों। कई बार हमारी कुछ चैट ऐसी होती है कि हम उसको रखना चाहते हैं, हो सकता है कि वो चैट हमारी फ्यूचर में काम आए, तो उस चैट का हम बैकअप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप चलाना होगा। जैसे मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, व्हाट्सएप में सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स में आपको मिलेगा एक ऑप्शन, हाँ इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको चैट, और चैट में आपको ऑप्शन जाना है चैट हिस्ट्री, हिस्ट्री में ऑप्शन आपको यूज करना है एक्सपोर्ट चैट, और एक्सपोर्ट चैट में किस बंदे का आप चैट का बैकअप लेना चाहते हो उस बंदे को सिलेक्ट करना है। जैसे भानु नाम का पर्सन है, इस बंदे का चैट का बैकअप लेना है तो क्लिक करना आपको। इसमें आपको पूछ रहा है कि मीडिया के साथ आप बैकअप लेना चाहते हो या फिर विदाउट मीडिया, तो मैं कर लेता हूँ विदाउट मीडिया। और ये पूछेगा कि आप बैकअप किस जगह लेना चाहते हो, मेल पर लेना चाहते हो, ब्लूटूथ के तरीके किसी को भेजना चाहते हो, ड्राइव में सेव करना चाहते हो, जैसे मैं कर देता हूँ व्हाट्सएप में, और किस बंदे को आप भेजना चाहते हो, जैसे मैं भेज देता हूँ, जैसे हाँ एक बार आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसी पर्सन को मैं भेज देता हूँ। इसमें आपका जो भी आपने चैट की इस बंदे के साथ टोटल चैट शो कर देगी और उस चैट को आप देख भी सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया व्यू में खोल लेता हूँ, ये सारी चैट खुल जाएगी। इस तरह से आप व्हाट्सएप का ये फीचर यूज कर सकते हो दोस्तों। जो मैं व्हाट्सएप के अब फीचर्स बताने जा रहा हूँ उनको लगभग लोग जानते हैं, लेकिन ये फीचर्स उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो ये फीचर्स नहीं जानते। तो उसके लिए आपको तीन डॉट पर क्लिक करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग में ऑप्शन मिलेगा चैट, और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा थिंक। ध्यान रखना दोस्तों, ये थीम ऑप्शन उसी मोबाइल में मिलेगा जिसमें व्हाट्सएप अपडेट होगा। यदि अपडेट व्हाट्सएप नहीं है तो उस ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, अभी मैंने कुछ चेंज किया था, पहले इसमें व्हाट्सएप ओनली लाइट में आता था, अब कंपनी ने क्या किया है, लाइट की जगह एक ऑप्शन ऐड कर दिया डार्क। जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर व्हाट्सएप डार्क हो जाएगा, जैसे आप कोई चैट में जाओगे यहाँ पर डार्क ऑप्शन रहेगा। दूसरा आपको बता देता हूँ, तीन डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है या चैट में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वॉलपेपर। जैसे वॉलपेपर सेलेक्ट करोगे वो वॉलपेपर आपके बैकग्राउंड चैट में शो करेगा। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, अब कोई भी आप चैट करोगे चैट के बैकग्राउंड में ये वॉलपेपर शो करेगा। जैसे मैं क्लिक किया, ये देखो चैट में वॉलपेपर शो करने लग गया। इस प्रकार आप ये व्हाट्सएप में दो चेंजेज कर सकते हो दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, हमारे व्हाट्सएप को दूसरे लोग चला लेते हैं, कैसे, जैसे वेब व्हाट्सएप स्कैन करके या फिर हमारा मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी लगकर हमारा व्हाट्सएप चला लेते हैं। तो उसका एक व्हाट्सएप में फीचर्स दिया है, उस चीज को आप रोक सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप में जाना होगा, थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, अकाउंट में जाना होगा, अकाउंट में ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसको अनेबल करना होगा। इसमें कोड टाइप करना होगा जो आप कोड रखना चाहते हो, फॉर
फर्स्ट टाइम टाइप किया, फिर सेकंड टाइप भी वो कोड टाइप करना है, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है। ये ईमेल एड्रेस दोस्तों उस टाइम काम आता है जैसे आप पिन भूल गए। अब पिन भूल गए तो आप व्हाट्सएप दूसरे मोबाइल में नहीं चला सकते, तो उस ईमेल एड्रेस के थ्रू आप पिन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, और आपको क्या कर देना, सेव। अब जब भी कोई आपका व्हाट्सएप दूसरे मोबाइल में चलाएगा तो सबसे पहले ये पिन पूछेगा। जब तक वो अगला बंदा आपसे पूछकर पिन नहीं डालेगा, तब तक कोई भी बंदा आपका व्हाट्सएप नहीं चला सकता। तो आज के टाइम में दोस्तों ये फीचर्स बहुत काम का है, ये ऑप्शन सबको ऑन रखना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा यदि कोई बंदा आपको मैसेज करता है और आपके पास टाइम नहीं होता उस मैसेज का रिप्लाई देने के लिए, तो आप उस चैट को अनरीड कर सकते हो। कई बार क्या होते हैं, कई बहुत सारे बिजी लोग होते हैं जो व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि यार मैं रिप्लाई बाद में कर दूंगा, और वो बाद में भूल जाते हैं कि यार क्या रिप्लाई किसको करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मेरा भाई है, इसको मेरे को बाद में रिप्लाई करना है, तो इस पर क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा और इस पर तीन डॉट पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मार्क एज ए अनरीड। जैसे आप करोगे यहाँ पर ग्रीन का साइन आ जाएगा। जब भी आपको इसको रिप्लाई देना है तो आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए, यहाँ पर ग्रीन साइन का हाँ मैसेज आएगा, आइकन शो करेगा। जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे ये ऑप्शन नहीं हटेगा। जैसे मैंने बैक किया, ओपन किए, ये ऑप्शन हट गया। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको टाइम नहीं मिलता। दोस्तों व्हाट्सएप का अगला फीचर्स है सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तीन डॉट पर क्लिक करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, अकाउंट में जाना होगा, और अकाउंट में ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, और इसमें एक सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक। यदि इस ऑप्शन को आप ऑन कर देते हो तो जब भी आप व्हाट्सएप चलाओगे तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट मांगेगा। जब तक आप फिंगरप्रिंट नहीं दोगे तब तक आपका व्हाट्सएप रन नहीं होगा।